हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी करियर जॉब। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई। क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, अप्लाई कैसे करना है, पोस्ट क्या है, सैलरी क्या है, लास्ट डेट क्या है, सारी बातें वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियोज़ देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड या किसी भी टाइप की वैकेंसी से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले वीडियोज़ देख पाओ। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो, वीडियोस देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना और वीडियो को स्किप करके मत देखना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस हो जाए। तो वीडियो छोटी ही है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी बात समझ आए। इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आप देख पा रहे हो, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन रिलीज़ की गई। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 1 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है वो है 15 जुलाई, मतलब 15 जुलाई लास्ट डेट है आपको। उससे पहले 15 जुलाई से पहले आपको अप्लाई कर देना है, उसके बाद अप्लाई नहीं कर पाओगे। मेक श्योर जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे और इंटरेस्टेड रहेंगे दिन वो अप्लाई कर दें ऑनलाइन। 15 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद कर लेता हूँ अगर मैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट 15 साल से लेकर के 23 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं रहेंगे एज के हिसाब से अप्लाई करने के लिए। 15 ईयर से अबव एंड 23 से डाउन, ठीक है। पे स्केल की बात कर ली जाए तो स्टाइपेंड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ये नहीं बताया गया है कि क्या स्टाइपेंड रहेगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपको स्टाइपेंड रेलवे बोर्ड की तरफ से जो भी अपडेट आएगा उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा स्टाइपेंड, लेकिन प्रोवाइड ज़रूर किया जाएगा, खाली नहीं रखा जाएगा, स्टाइपेंड दिया जाएगा। यहाँ पर अगर बात कर लो जाए तो पोस्ट क्या है, तो पोस्ट यहाँ पे अप्रेंटिस की वैकेंसी है, वैकेंसी भी बहुत अच्छी है, 196 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। कैटेगरी की अगर मैं बात कर लूँ तो फीटर में 90 वैकेंसी है, वेल्डर गैस या फिर इलेक्ट्रिक में 50 वैकेंसी है, मैकेनिक एंड टूल मेंटेनेंस में 13 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट में जो है 12 वैकेंसी है, पेंटर में 16 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन में 12 वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर में 13 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल है, आप यहाँ पे एक बार फिर से रीड कर सकते हो या फिर चेक कर सकते हो। एलिजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो कैंडिडेट्स जो भी एलिजिबल रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे अप्लाई करने के लिए, उनके पास 10th पास होने चाहिए वो, या फिर इससे इक्विवेलेंट 10+2 के इस डाउन में, और साथ ही साथ उनके मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, 50%, साथ ही साथ उनके पास ITI सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये जो भी कैटेगरी है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये जो भी कैटेगरी है, फीटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक एंड टूल मेंटेनेंस, मैकेनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, इनमें से किसी भी ट्रेड में उनका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI पास आउट होना चाहिए, वो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और हाँ, ITI किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ही होना चाहिए, या फिर जो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट NCVT से एफिलिएटेड है वहाँ से ही पास आउट जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, दिन वो अप्लाई कर सकते हैं। ये खास करके वैकेंसी अभी लॉकडाउन में निकली, लॉकडाउन में ऐसे वैकेंसीज बहुत कम निकल रही हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ मोड ऑफ सिलेक्शन की, तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उनको मैं बता दे रहा हूँ, मेरिट लिस्ट के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल रहेंगे, जो अप्लाई करेंगे एलिजिबल रहेंगे, उनके एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, आपके एप्लीकेशन को चेक किया जाएगा, उसका जो जो मेरिट लिस्ट निकलेगी उस मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे ही आपको ये किया जाएगा। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी ओरल टेस्ट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे ही सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो बहुत ही अच्छी चांस है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट के बेस पे और आपके एलिजिबिलिटी के बेस पे ही आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो अगर आप ITI कर रखा है, आपने 10th पास है आप, तो ज़रूर अप्लाई करना इसमें। अगर बात कर लो अप्लाई कैसे करना है, तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हमने यहाँ डेट बता रखा है 15 जुलाई लास्ट डेट है, आपको ऑनलाइन 15 जुलाई से पहले अप्लाई कर देना है। अब आप सोच रहे हो कि आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, अप्लाई आप कैसे करोगे, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जब आप इस साइट पे, हमारी साइट पे सरकारी करियर जॉब पे आओगे आप, तो यहाँ पे इस पूरी डिटेल के यहाँ पे आने के बाद आप रीड कर लेना अच्छे से। उसका जब आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, जिसमें आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का भी लिंक मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है आपको। यहाँ पर से आप क्लिक हेयर पर जब क्लिक करोगे, डाउनलोड नोटिफिकेशन क्लिक हेयर में, यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तब आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप नोटिफिकेशन भी रीड कर लो, पूरी डिटेल वहाँ पे लिखी हुई है, पूरी डिटेल अच्छे से रीड कर लो। उसके बाद देना आप यहाँ पे, अगर आप अप्लाई करना चाहो, इंटरेस्टेड हो आप, एलिजिबल भी हो, एलिजिबिलिटी आपने चेक कर ली है, एलिजिबल हो आप, तो देन यहाँ पे आप आकर के अप्लाई नाउ पे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा
ऑफिशियल वेबसाइट पे जहाँ पर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जहाँ से आपको अप्लाई करना है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप एलिजिबल हो तो देन अप्लाई ज़रूर करना, क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम या कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे और आपके एलिजिबिलिटी के बिहाफ पे ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। और मैं एक बात बता दे रहा हूँ, अगर जो भी कैंडिडेट्स 10 से ज़्यादा हैं कोई और एलिजिबिलिटी की या कोई और जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मैं अपने चैनल पे हमारे बहुत सी वैकेंसीज निकल रही हैं, SBI की तरफ से है, IBPS की तरफ से है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की वैकेंसीज अभी रिलीज़ हुई हैं, देन चैनल पे वो जाएं, चैनल पे जाके चेक कर लें। जो भी वैकेंसीज़ है उसकी वीडियोस हमने अपलोड कर रखी है, वहाँ जाके वो वीडियो चेक कर लें, अगर वो एलिजिबल हैं देन वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वेबसाइट का लिंक सरकारी कैरियर जॉब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट पर आओ, यहाँ पर सारी डिटेल रीड करो, एंड देन अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर करना। अगर आप एलिजिबल नहीं हो सॉरी अगर आप एलिजिबल नहीं हो और अगर आप एलिजिबल नहीं हो आप लग रहा है कि आप अप्लाई नहीं कर पाओ, तो देन प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो शायद आपकी फ्रेंड्स एलिजिबल हो, तो शेयर करने में कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, तो देन प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सिर्फ एक लाइक की बात है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबा देना, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं ताकि आपकी फ्यूचर बन सके, आप गवर्नमेंट जॉब पा सको, तो इसके लिए वीडियो का तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर फ्रेंड के साथ चाहो तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर भी कर देना, इससे हमें बहुत मोटिवेट होंगे हम और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो हम बना पाएंगे। और कोई डाउट, कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, कोई भी क्वेरी हो आपकी ज़रूर पूछना, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट का आंसर दें और हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर पाएँ। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप सबसे पहले अप्लाई कर पाओ। इसके साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।